नेता बनने कितने बड़ी बात है? सबसे पहले मैं हम अपने पत्रकारों को जो मेरी मीडिया है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब जो भी पूछ रहे हैं कहना चाहूँगा किस तरह किरदार निभा रहे हैं और क्या इस फिल्म का विषय क्या है? विषय ये है कि बाप भी एक तरह से किलर ही है, समाज और ये सब के देखते हुए बाप भी किलर है और बेटा भी उसी राह पे चलता है। तो मतलब कि समझ लीजिए कि ये कहानी ऐसा है कि जो हर ऑडियंस को हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि एक मजबूर आदमी जो अपने बेटा को कुछ करना चाहता है समाज उसे करने नहीं देता, तो बाप भी उसी तरह से चलता है समाज के ही तरह। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री से काफी पुराना ताल्लुका था आपका, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के बारे में अक्सर बात होता है इंडस्ट्री का, और हाल ही में देखें कि मतलब डायरेक्टर्स ने सुसाइड किया है, बड़े डायरेक्टर शाहिद जी ने, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कि क्या हकीकत क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री की? कौन डायरेक्टर ऐसे थे भाई? साथ नहीं, साथ साहब एक बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे और बहुत ही मतलब कि लाजवाब किस्म के आदमी थे, मेरे दोस्त भी थे बहुत पुराने, कैमरा असिस्टेंट भी थे, कैमरामैन भी थे, उसके बाद डायरेक्शन शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिल्म की वजह से उन्होंने सुसाइड नहीं की। एक हो सकता है इंसान के जीवन में क्या होता है नहीं होता है उनकी कोई भी दिक्कत बात से तो हम लोग को ये नहीं है, लेकिन इंसान बहुत अच्छे थे। मैं ऐसा इसलिए लग रहा हूँ कि मेरी साथ तबीयत खराब है, तो वो कर लिए, जब इंसान पे कुछ गुजरता है तो किसी के कहने से तो उसका दुख कम नहीं होता, तो अपना दुख अपने ही खत्म कर लेता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे इस फिल्म के जो डायरेक्टर है हमारे राजेश राजपूत जी, जो गुड टेक्नीशियन, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे काम भी जानते हैं, तो इसलिए मैं तो हमेशा इनके साथ काम करना चाहूँगा और किया भी हूँ। उसी तरह से पंकज सिंह जी जो हैं हमारे इसमें हीरो, वो मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं, मैं उनका फादर का रोल कर रहा हूँ। एक और हीरो हैं जिनका नाम मैं जानना चाहूँगा, जॉनसन बेदर्दी, सिंगर है क्या? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सिंगर का दुनिया भी चल रहा है, एक सिंगर तो चाहिए हीरो बाबा। तो इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सर? बहुत सी पिक्चर है, किसका किसका नाम बताऊं? कोई प्रमुख पिक्चर का नाम बताइए। प्रमुख जो प्रमुख तो एक तो भी निरुवा चला लंदन कंप्लीट किया हूं। अच्छा, और दूसरा कर रहा हूं निरुवा चला अमेरिका। क्या बात है, तो शूटिंग कहां उसका हो रहा है या होगा? वो देखिए निरुवा चला लंदन का तो मेरा हो गया, तो लंदन में शूटिंग हुआ? नहीं मेरा नहीं, मेरा तो लंदन गाँव का ही था ना, तो नेपाल में हुआ। नेपाल में, ठीक है। और निरुवा चला अमेरिका का भी वही होगा, पूरे गांव में ही मेरा कहानी होगा। अच्छा, वो अमेरिका में शूट, बाद में बेटे को भेजता है अमेरिका। अच्छा। जाओ, पहले तो बेटा को गांव से प्यार रहता है, सब कुछ प्यार रहता है, खेती से, तो मैं उसमें जरा अलग टाइप का रोल किया हूँ कि एक फॉरन रिटर्न डॉक्टर, मेरा नाम है यूएस शुक्ला। क्या बात है। बेटा बोलता है पापा इतना अच्छा खेती, इतना अच्छा गाँव है, आई हेट यू गाँव, आई हेट यू खेती, आई डोंट लाइक, मतलब आई एम डॉक्टर यूएस शुक्ला। okay. मेरा बेटा खेती का बात करता है, व्हाट इज दिस, यही सब है मतलब। कितने दिनों सर आपने काम किया भोजपुरी में और कैसा अनुभव रहा अभी तक का? सर मुझे आज तक में जो कुछ भी हो भोजपुरी के ही लेके हूँ, भोजपुरी के ही आशीर्वाद से हूँ, इसलिए हमारे भोजपुरी से जितने जुड़े हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर है राइटर है, मैं सबको नमन करता हूँ। पहले मैं एक छोटा मोटा टेक्नीशियन था, कभी कैमरा अटेंडेंट था, कभी असिस्टेंट था, कभी कुछ था, कभी कुछ, करते करते गंगा किनारे बड़ा गाँव से एक्टर बन गया मैं। और अभी तक पहले तो बहुत निगेटिव किया हुआ, बहुत निगेटिव किया, वही सब मार धार का दर्द हो रहा है साहब, लाजू तो बहुत खाया हूँ। उतने ही अब प्यार का रोल कर रहा हूँ, बाप का रोल कर रहा हूँ, किसी भी हीरोइन का बाप हो तो किसी भी हीरो का बाप हो, ज्यादा करके हीरो का बाप हो। अच्छा, पंकज जी का भी इसमें फादर कर रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा, अच्छा स्टोरी है। राजेश राजपूत जी और उसके बाद में राजेश गुप्ता जी है। अच्छा, जो म्यूजिक तो बाहर ला देंगे वो, ये तो मेरे को मालूम है। थैंक्स सर, थैंक्स।